हाय गुड मॉर्निंग तो एवरीवन देखेंगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी बना लेंगे इस इलस्ट्रेशन का। मैंने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया था, अब मैं इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ उस पर देखिएगा बात यहाँ समझिए जरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन चला जाए। तो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, देखेंगे जो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। शायद आप लोग पास चला गया होगा, देखिए हिंदी में जो होंगे हिंदी भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए हिंदी में भी आप लोगों के पास क्वेश्चन चला गया, ठीक है, दो दो है इंग्लिश वाले को लिए। देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप देखेंगे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। आपको डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस दिया हुआ है, ठीक ना, जितना में आपने परचेज किया था। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन इन 2000 में दिया 10,000-25,000, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2011 1,75,000 है और 3,50,000 है। उसके बाद कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल इतना है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन 2004-14-15 का दिया हुआ है। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी इन 2018-19 है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आर दिया हुआ है जिस ईयर का है। तो पहले समझिए जरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक ना। यहाँ से इलस्ट्रेशन है, जितने भी इलस्ट्रेशन होगा आप लोग सबको बना लेंगे ऐसे। इसमें कैपिटल गेन में क्या होता है बेसिक मैंने बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और मैं बताते रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 07 है ना, देखिए तो वहाँ से देखिए और स्पेस बच रखिए इधर यहाँ तक है। तो आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 07 है। मैं पहले बता दूं कि कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन लेना है वो जरा देखिए, विच एवर इज हायर, बात समझिए। अगर कोई एसेट्स मैं बता रहा हूँ, अगर वो एसेट्स 2001 से पहले परचेज किया गया हो, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, ठीक ना। अगर कोई एसेट्स मान कर चलिए खरीदाया है बिफोर 2001, अगर वो एसेट्स बिफोर 2001 से पहले अगर परचेज हुआ होगा, अगर कोई एसेट्स का समझे 2001 से पहले परचेज हुआ होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग को कौन लेना है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दिया रहेगा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, उस एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया रहेगा, ठीक ना। और दूसरा दिया रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, बात जरा समझिए।
अगर कोई एसेट्स, या इसको मैं मिटा दूं, सीधे लिखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन, मतलब कि किसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा, तो कौन सा मैं लूंगा? यहां पर याद रखेंगे इन दोनों में जो हायर है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब जो हायर, विच एवर इज एवर एज हायर, विच एवर इज हायर विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन बोलिए या परचेज, बात देखिए क्या समझे, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई एसेट्स 2001 से पहले परचेज किया गया हो, ठीक ना, तो उस एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग को मानना पड़ेगा किसको, जो 2000 देखेंगे तो 1 अप्रैल 2001 के डेट को उस एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू जो दोनों में बड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। बात समझ गए ना? अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों होता, उसका पीछे रीजन क्या है। देखिए अब जो है इंडेक्सेशन दिया गया 2001 के बाद से दिया है, 2001 से लिया गया प्राइस इंडेक्सेशन उसको बेस मान करके, तो खुद सोचिए जब हम लोग को कॉस्ट, जब इंडेक्स प्राइस ही हम लोग को दिया हुआ 2001 से, तो उससे पहले वाला का इंडेक्सेशन करना तो संभव है नहीं, पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2001 को पहले उस एसेट्स को फेयर मार्केट देख लेते हैं। मतलब कि एक अनुमान होता है ना कि इस एरिया में, गवर्नमेंट के यहाँ लिखा रहता है कि इस एरिया में 1 कट्ठा ज़मीन परचेज करेंगे या 1 स्क्वायर फीट, तो उसका कितना प्राइस है, तभी तो देखते होंगे कि ज़मीन वगैरह जब रजिस्ट्री होती है तो उसका फीस लेती है गवर्नमेंट क्या, नहीं तो हम लोग परचेज करेंगे या कहेंगे 1000 में ही तो ज़मीन खरीदें तो गवर्नमेंट को मानना पड़ जाएगा, और 1000 के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज कर लेगा, ज़मीन लिखाने का चार्ज हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या होता है, हर एरिया का ज़मीन का जो लैंड है उसको क्या होता है, प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू को डिटर्मिनेशन करके रखता है, और उसी पे 10% 20% जो भी रेट है रजिस्ट्रेशन चार्ज रजिस्ट्री का वो लेता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों को? अब आते हैं इस क्वेश्चन में, साथ ही साथ इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ साथ अगर 2001 से पहले अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब कि कोई एडिशनल उस प्रॉपर्टी पर खर्च किए होंगे 2001 से पहले, तो उस एडिशनल एक्सपेंडिचर को भी छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि जब उसका वैल्यू हम आज तक कर ही दिए, इससे पहले का जितना भी खर्च होगा सब ने टोटल ऐड कर लिया होगा, समझ गए? तो अगर क्वेश्चन में याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया रहेगा, मतलब परचेज का प्राइस 2001 से पहले, तो क्या करेंगे 1 अप्रैल 2001 का डेट को देखेंगे, उस एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू और उसका परचेज प्राइस जो दोनों में बड़ा होगा वो लेंगे, उसका एडिशनल जो भी खर्च हुआ होगा 2001 से पहले उस सबको इग्नोर कर देंगे, उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। किसको? एडिशनल खर्चा को। जैसे होता ना, इस बिल्डिंग है, मान के चलिए हम ये बिल्डिंग बनाएं, तो खुद सोचे इस बिल्डिंग को अच्छे से रहने के लिए कहीं भी टूट फूट होगा तो उसको तो बनवाना ना पड़ेगा हमको। जैसे कल हो सकता है गेट टूट गया, इसको गेट को हटा करके दूसरा न्यू लगाएंगे, एक तरह से इंप्रूवमेंट हो गया क्या। कोई भी एसेट्स को क्या होता है, प्रोटेक्शन करने के लिए उसको हम लोग को क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, इसमें 2 है तो 2 कॉलम हम बना लेते हैं, दो प्रॉपर्टी है, पहला यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाउस 1, 2 है क्या? हाउस 1 है और हाउस 2 है, ये हो गया। पार्टिकुलर मैं लिखूंगा पार्टिकुलर्स, हो गया यहां तक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल कंसीडरेशन क्या, या सेल वैल्यू या कंसीडरेशन, सेल्स प्रोसीड्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ तो सेल प्रोसीड्स ही ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी 14 लाख और 24 लाख दिया है, 14 लाख
और 24 लाख्स, 2, 3, 4, 5 लेस होगा, लेस एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, इसको मैं बोलूँगा नेट कंसीडरेशन, ये होगा नेट कंसीडरेशन, क्योंकि जो भी एक्सपेंस होता है उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब लेस करते हैं हम लोग, क्या लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और तो यहां पर देखेंगे हम लोग को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने हैं, ठीक ना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां दिया हुआ बिफोर कितना है, 1/4/2001 कितना दिया था, 1/4/2001 इसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1/4 इतना कितना दिया हुआ है, 1,90,000, चूंकि 1997 में लिया हुआ है, इन्हें दिया है 1,90,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1/4/2001 रुपीज 1,90,000 और फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पर FMV का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ आपको 1,75,000। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 का, जो कि हम बताए थे 2001, रुपीज दिया हुआ है कितना, 1,75,000 विच एवर इज हायर। क्या समझे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए हम क्या लिखे, बिफोर 1/4/2001 रुपीज 1,90,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 रुपीज 1,75,000 विच एवर इज हायर, जो दोनों में बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कितना हो गया, 1,90,000। क्या तो 1,90,000 इसको इंडेक्सेशन करते हैं, करेंट कितना है, बेस तो 100 रुपया होगा और करेंट अभी देखिए इंडेक्सेशन कितना चल रहा है, 280 है ना, करेंट में 280 रुपीज, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो इसके लिए हुआ ना, एक प्रॉपर्टी के लिए हुआ, इसके लिए भी हम लोग को अलग से तब लिखना पड़ेगा, अगर इस टाइप के सिचुएशन है तब अलग अलग करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसका फिर लिखना पड़ेगा ना। क्या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस कैपिटल गेन फॉर हाउस वन, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, चूँकि ये रूल तो सिर्फ इस पे अप्लाई है, उसके लिए अलग से मॉनिटर करना पड़ेगा, तो मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ चूँकि मैंने देखा नहीं था। अगर इस चीज़ को हम नहीं लिखते ना तो दोनों एक ही कलर बना सकते, लेकिन हम लोग को अच्छे से लिख कर शो कर देना है, ठीक ना, इसलिए अलग अलग करके बना देंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई का मतलब इम्प्रूवमेंट समझिएगा, ठीक ना। ये देखिए दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन 2014 है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन 2000, देखिए 2000 का एडिशनल कंस्ट्रक्शन खर्च उसको छोड़ देंगे हम, क्या बोले 1/4/2001 से पहले अगर कोई एडिशनल खर्चा है उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो 14/15 का दिया उसको लेंगे,
तो 14 और 15 का दिया हुआ है आपको 48,000, 48,000, 48,000। तो क्या करेंगे, 2014-15 का जो इंडेक्सेशन है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेस ईयर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 14-15 का इंडेक्सेशन देखिए, 14-15 का 240 इंडेक्सेशन, यही ना है 240, और करेंट ईयर तो सेम ही रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है अमाउंट, मल्टीप्लाई कीजिए 5,52,000 और 56,000, क्या 5,00,000, कितना 5,00,000, 5,32,000 आएगा ना, और इसका 56,000, इसमें एग्जम्पशन है नहीं इसलिए उसको हम लेस करेंगे नहीं। तो कितना होगा, लेस कीजिए तो 5,56,000, 5,00,000 ये हो जाएगा 88,6 किया तो 8,12,000, क्या 8,12,000 होगा ना, 3, इसी को बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये हो गया। अब हम दूसरा हाउस के लिए निकालेंगे, क्योंकि 5,88,000 हुआ तो 12,000 होगा ना। अब यहाँ भी लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर हाउस सेकंड, ठीक है, सेल प्रोसीड्स बोलिए या सेल प्राइस, बात देखिए है, यहाँ पर लिखेंगे सेल प्रोसीड्स, इसमें कितना था 24,00,000 था, लेस यहाँ पर देखिए आप लोग लिख लिए एक्सपेंस ऑन सेल, नहीं है तो हम इसको छोड़ के चलते, आप लोग इसमें भी लिखे नेट कॉन्सिडर, ऐसे बोलिएगा ठीक ना, क्योंकि है नहीं इसलिए उसी को हम लिख नहीं रहे हैं। लेस लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1/4/2001, ठीक ना, रुपीज़ कितना था इसका, देखिए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2,50,000, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 रुपीज़ कितना है, कितना फेयर मार्केट वैल्यू देख लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू था आपको 3,50,000 विच एवर इज हायर, ठीक ना, तो 3,50,000 अगुने 280 अबटे 100, ठीक ना, उसके बाद होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये कितना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन 14-15 1,20,000 है, तो ये है 1,20,000, 1,20,000 इंटू 280 अबटे कितना था 240, बोलिए गुना करके कितना आया, 9,80,000 और 1,40,000, 9,80,000 और 1,40,000, इसको लिस्ट कर दीजिए, 9,10,000, 11,20,000, 11,20 चला गया तो 12,80,000, ये आ गया 12,80,000, ये हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
हाँ इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म ही बोलेंगे क्योंकि 3 साल से ज़्यादा है, ठीक है। अब उन दोनों का ऐड कर देंगे हम, क्या उसके बाद यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 8,12,000 और 12,80,000 20,92,000 ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया इतना हो गया। आंसर हो गया हाँ, अभी वही ना समझा रहे थे। अब देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है कैपिटल गेन का है, जो आप लोग को स्क्रीनशॉट एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन पता चल जाए। तो देखेंगे क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है स्लंप सेल से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो पहले स्लंप सेल के बारे में हम लोग समझेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो देखिए स्लंप सेल का मतलब क्या होता है, स्लंप सेल्स, आप देखिए स्लंप सेल का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी को लॉस हो जाती है, ठीक ना, बहुत सारे बिजनेस ओपन करता है, ऑपरेट करता है, उसमें से देखिएगा कि कई ऐसा यूनिट है जो उसको लॉस में चलता है, ठीक ना, तो लॉस में चलता है, कुछ दिन वो सस्टेन करता है, देखता है कि अब हम ये बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, इसका फ्यूचर भी अब अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो बिजनेस को किसी दूसरे कंपनी से सोल्ड कर देती है, ठीक ना। हेलो, बात को जरा समझिए, यही जो समझाते उसी चीज़ को समझना, आप लोग उसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो फिर बाद में बात उतना ही पड़ जाएगा, नहीं तो हमको बोनस फायदा क्या है समझाने के लिए, कितना क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए स्लंप सेल का मतलब क्या समझे कि कब कंपनी क्या होती है, कभी लॉस में जब चलती है तो उस पूरे यूनिट को सोल्ड कर देती है किसी दूसरे कंपनी को, उसको बोला जाता है स्लंप सेल, मतलब मंदी का ये। अब देखिए इस सिचुएशन में टोटल एसेट्स लायबिलिटी सब शिफ्ट कर दिया दूसरे को, तो बात रहा कि यहाँ पर अब फंस गया मामला कि भाई यहाँ पे तो सब है प्रॉपर्टीज है, इसमें कैपिटल गेन होना चाहिए या कैपिटल लॉस होना चाहिए, अब कैसे निकाला जाएगा। इसलिए कि हम लोग कैपिटल गेन में जानते हैं कि सेल में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लिस्ट कर देते हैं तो कैपिटल गेन निकल जाता था, बट यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, सिर्फ सेल प्राइस दिया हुआ है और कौन कितना में ये किया गया है, चूँकि एक एसेट्स तो बिका नहीं, कई एसेट्स बिका है, हम जब भी बेचे हैं तो टोटल का एक हीला पैसा लिए, मान कर चलिए हमारे पास बिजनेस उसमें बहुत सारे स्टॉक पड़ा हुआ है, सबको बेच दिए, तो भाई किसको कितना सेलिंग प्राइस हुआ ये तो संभव नहीं ना है निकालना। तो इसलिए क्या किया, टैक्स डिपार्टमेंट एक रूल्स बना दिया कि स्लंप सेल के सिचुएशन में क्या करेंगे, जितना में आप बेचेंगे, ठीक ना, अगर मान कर चलिए जो आपको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, यानी कि सेल प्राइस, ठीक ना, सेल प्राइस में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे नेटवर्थ, ठीक है, और जो आपको आएगा ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, बात समझ गए ना। अब नेटवर्थ कैसे निकाला जाता, तो नेटवर्थ निकालने के लिए शायद आप पढ़े भी होंगे, नेटवर्थ इज इक्वल टू होगा जो भी फिक्स एसेट्स है प्लस करेंट एसेट्स है और माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू होता है नेटवर्थ होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लेना है फिक्स एसेट्स, जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएबल वैल्यू लेना है,
जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा, ठीक ना, मतलब कि उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगते लगते अभी जो वैल्यू बचा बैलेंसिंग, उस वैल्यू को यहाँ लेंगे फिक्स एसेट्स को। उसके बाद अन्य जो करेंट एसेट्स है उसको बुक वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू में जो मेंशन रहेगा वो करेंट लाइबिलिटीज को वही लेंगे, ठीक ना। अगर उस फिक्स एसेट्स में कोई रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह तो उसको लेस कर देंगे, इसलिए लेस कर दिया जाता है कि मूल्य बढ़ने के वैल्यू को नहीं लिया जाता, रिटर्न डाउन वैल्यू लिया जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमने जो बताया उसी मेथड से होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा स्टडीज करेंगे, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन कहता क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल गेन का जो इलस्ट्रेशन है सबको सब बना लीजिएगा। दूसरी बात, टैक्सेशन में प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्स हम लोग को एक ही रहता हमेशा, अकाउंटेंसी वगैरह मैनेजमेंट तो बार बार पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से उस चैप्टर कुछ ना कुछ मैच करता है। यहाँ क्या एक ही था, बी कॉम में पार्ट थर्ड में पढ़े, उसके बाद एम कॉम में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड हैज़ टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कहता है वन में कहता ऑडियो यूनिट, सेकेंड में कहता वीडियो यूनिट्स। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू सेल इट्स वीडियो यूनिट एज ए गोइंग कंसर्न बाई वे ऑफ स्लम्प सेल इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉर 450 लाख में। मतलब कंपनी जो है दो यूनिट चला रहा है, एक यूनिट है ऑडियो यूनिट है, दूसरा है वीडियो यूनिट है, ठीक ना। कंपनी ने स्लम्प सेल के बेसिस पे क्या किया, वो वीडियो यूनिट को बेच दिया, ठीक ना, 450 लाख में 18-19 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद कहता है द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 एज अंडर, ऑडियो यूनिट का बैलेंस शीट है और वीडियो यूनिट का इन लाख्स में दिया हुआ है। फिक्स एसेट दिया है ऑडियो का 150, डेटर्स दिया है 150 इसका और उसका भी 112 समथिंग। तो ऑडियो के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको बेचा नहीं है, हम लोग वीडियो के बारे में पढ़ते। देखिए फिक्स एसेट दिया है वीडियो यूनिट में 225 लाख, डेटर दिया है 112.50, इन्वेंट्रीज दिया है 37.50 और लाइबिलिटी दिया 75 लाख, ठीक ना। उस बात का था पेड अप शेयर कैपिटल, इसका कोई आवश्यकता नहीं। जनरल रिजर्व, इसका कोई आवश्यकता नहीं। शेयर प्रीमियम 33, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओ माय गॉड सर, आपने जो बताया वही आ गया। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको दिया है 140, अभी इसी को जिक्र किए, इसलिए बोलते जो समझाते हैं वहाँ पर ध्यान हमेशा लगाए रखेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, हमने क्या बोला था, अगर फिक्स एसेट्स में कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड है तो उसको लेस कर देंगे, इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग को लेस करने की आवश्यकता होगा। आगे फिर पढ़ते हैं, कहता है दी कंपनी सेट अप दी वीडियो यूनिट्स ऑन 1 अप्रैल 2015, दी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दी ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर द टैक्स पर्पस 2019 कहता 200 लाख्स, ऑफ विच कहता 85 लाख्स आर एटिविटेड टू द वीडियो यूनिट्स। डिटरमिन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम स्लम्प सेल, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या कहता है यहाँ पर, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर द टैक्स पर्पस ऑन कहता है 2019 इज कहता है 200 लाख, ऑफ विच कहता है 85 लाख्स आर एटिविटेड टू द वीडियो यूनिट। तो हम लोग आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे जब भी हम बताए थे 9 नंबर क्वेश्चन में, और इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल है जो अभी हम ये बताए हैं, ठीक ना। यहाँ पे होगा पार्टिकुलर और यहाँ पे होगा अमाउंट, होगा ऊपर में कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज होगा, यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस 450 लाख है, ठीक ना। इसमें से लेस करेंगे नेटवर्थ, ठीक ना। अब नेटवर्थ हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, तो नेटवर्थ निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स हम बताते हैं कैसे निकलता है। देखिए फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स में जो है क्या नेम होगा करेंट एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में देखिए 225 लाख है
उसमें से 140 लाख को लेस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 85 लाख। उसके बाद है करेंट एसेट्स में क्या इन्वेंट्रीज है ना, नेम दिया हुआ करेंट एसेट्स में डेटर और इन्वेंट्री दो चीज़ है। डेप्टर बुक वैल्यू होगा प्लस इन्वेंट्री। डेटर आपको दिया है 112.5 और ये दिया है 37.5। कितना हो जाएगा 150, 185, 235, 235। उसके बाद क्या है करेंट लाइबिलिटीज लेस होता है, लेस करेंट लाइबिलिटीज है 75 लाख। तो इसमें से चला जाएगा आपको 1,60,000 160 हो गया, 45 में 16 का 29 इतना लाख, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हो गया। अब इस पर हम लोग टैक्सेशन लगाएंगे ठीक ना। अब होगा टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना रेट से लगता है टैक्सेशन बोलिए, बताए थे कई बार बताए हैं 20% से लगता है लॉन्ग टर्म, ये सब चीज़ याद रखिए। तो कितना हो जाएगा 29 × 58 इतना हो गया। ऐड होगा यहाँ सर चार्ज, चूँकि यहाँ पे 1 करोड़ से भी अबव है ठीक ना, ऐड 30%। क्या बोले देखिए तो 30% रेट है कैपिटल गेन टैक्स, सर चार्ज एट द रेट ऑफ 7% होगा। देखिए लिखाए थे हम कभी 30% से, देखिए ना कॉपी में, कॉपी को उलटिए कभी नहीं लाए तो उस कॉपी के उलटिए, चूँकि ये नहीं कि हम यहाँ लिखा दिए कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, उसी को देखिए रेट को। यहाँ पर 7% है 58 पे लगाइए 7% कितना होगा कैलकुलेशन कीजिए, नहीं इसका निकलेगा ना 58 का नहीं निकलेगा सर चार्ज, उस पर निकलेगा तो जाएगा 62.06, इसका 4% निकालिए, फिर होगा ऐड हायर हेल्थ एंड एडुकेशन चेस एट द रेट ऑफ 4%, इसका 4% निकालिए, इसी का 4% 62.06 का 2,48,000 2.8 ये हो गया। इसको हो जाएगा 64 कितना हो जाएगा 52 टू, या और करके लिख सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी हो गया 64,52,000 है ना 224 क्या 240 ना होगा 200 64,52,240 240 हाँ, यहाँ पर 0 होगा पॉइंट ठीक है, यहाँ तक समझ गए।